नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली। एक ब्राड़ी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांग कर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राड़ी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राड़ी चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल, कहते हैं पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्राड़ी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चनों की बधी पुटकी मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राड़ी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पुटकी लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पुटकी वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राड़ी ने जब जाना कि उसकी चने की पुटकी चोर उठा ले गए, तो ब्राड़ी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पुटकी मिली। गुरु माता ने पुटकी खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वह चने की पुटकी सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पुटकी सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूँगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का शराब सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।